जगह पे रिपेयर कर देते हैं और इसी तरह से। लेकिन हमारा जो आज का फोकस है वो ये कार्टिलेज रिस्टोरेशन पे है, बिकॉज ये एक चीज है जो अभी तक पब्लिक को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कार्टिलेज भी रिस्टोर हो सकता है। क्योंकि अगर वो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं फिर जब वो उनकी उम्र 55-60 हो जाती है तो उनके पास फिर नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई चारा नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी चीज है लेकिन एक एज लिमिट के बाद ही उसका रोल आता है। उससे कम एज में अगर किसी को अर्ली स्टेज है तो उसमें ये एक बहुत अच्छा है, एक अल्टरनेटिव है। सर ये प्रक्रिया कितने उम्र के लोगों में कारगर है? ये देखो अगर हम डाटा ले जैसे 600 कुछ केस हुए हैं उसमें 50-60-70% तो ये यंगर मतलब 35-40 से कम में है। लेकिन हाँ 15-20% ये 45-55 में भी है जो यंग लोग हैं जिनको इसी तरह की चोटें लगी हैं, जैसे गोल्फर हो गए या कुछ हो गए। अभी हम आएंगे हमारे हरभजन सिंह जी, जैसे उनको गोल्फ खेलते हुए लग गया था। तो ये मतलब हर कैटेगरी में हो सकता है, हालांकि प्रेडोमिनेंटली ये जो है ये यंगर एज ग्रुप में पाया जाता है। आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अपना घुटना अपने सेल्स अपना कार्टिलेज प्रिजर्व रह गया। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीज जो इसमें ट्रीट करने की है घुटने की चोटों में वो कार्टिलेज है। लिगामेंट का इलाज हो सकता है, मेनिस्कस का हो सकता है, सबसे डिफिकल्ट कार्टिलेज। लेकिन ये कार्टिलेज की एक नई विधि है जो अब पूरी सक्सेस 7-8 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है। सर मेरी मम्मी ने अभी ना 1 साल के पहले अभी नी रिप्लेसमेंट कराया था, एक का। तो सर अभी लगभग 1 साल पूरा हो चुका है, अब सर उनको दूसरा घुटना सर बहुत दिक्कत देने लगा। नहीं देखो अगर किसी में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो उसमें नी रिप्लेसमेंट की ही जरूरत है। हमारी बात हो रही है उन लोगों के लिए जिनका घुटना अभी पूरी तरह से खराब है, जिसमें बाकी सारा कार्टिलेज बिल्कुल ठीक है और एक छोटा सा एक डिफेक्ट लोकल है, इतना सा डिफेक्ट है लेकिन बाकी कार्टिलेज ठीक है। ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट है। और ये भी आपको हम वीडियो में प्रेजेंट, एक बार आप प्रेजेंटेशन देखेंगे ना आपको और अच्छा इसका आइडिया हो जाएगा। और ये जब अगली सेकंड स्टेज में हम एक नॉर्मल कार्टिलेज से इस खड्डे को जो एक खड्डा बन गया है या डिफेक्ट बन गया उसको भर दिया जाता है। तो एक तरह से अगर हम संक्षिप्त में बोले तो उसका पेशेंट का अपना नॉर्मल कार्टिलेज ही वापस आ गया। और हमने कई बार जैसे कुछ सालों बाद लोगों की फिर से जब आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन के इलाज की तो ये बिल्कुल आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये हमने कुछ आर्टिफिशियल चीज डाली है, बिकॉज ये उसका अपना ही कार्टिलेज सेल्स है तो ये अपने कार्टिलेज से जुड़ जाता है मतलब। तो इस टेक्निक के ऑटोलोगस कॉन्ट्रासाइट ये हमारे पूरे कंट्री में जब से ये शुरू हुआ था 2009 में हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तब से अभी तक सिर्फ 600 केस हुए हैं, बहुत ज्यादा केस नहीं हुए हैं। और हमने अब जब स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में इसकी शुरुआत की थी 2010-11 में तब से लेके अभी तक हम लोगों की टीम ने मैक्सिमम केसेस 70 किए हैं। हालांकि इस प्रोसीजर के मेन बेनिफिशरीज जो हैं वो यंग प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी लोग हैं आज वो उनमें से आए भी हुए हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह का डिफेक्ट जो है थोड़ी सी ओल्डर पॉपुलेशन में भी हो सकता है, जैसे 45-60 जो एक्टिव है। जैसे अभी एक IAS ऑफिसर है आने वाले हैं मिस्टर हरभजन, वो गोल्फ खेलते हैं, 1983 के IAS ऑफिसर है, उनको गोल्फ खेलते हुए घुटना ट्विस्ट हो गया, जब हमने MRI में देखा तो ऐसे कार्टिलेज डिफेक्ट मिला। तो उनमें भी हमने सेम प्रोसीजर दूरबीन से किया, पहली स्टेज में देखा कि इतना बड़ा डिफेक्ट है, फिर उनका यहां से नॉर्मल सेल्स भेजे बॉम्बे और आज वो 7-8 साल हो गए हैं और बिल्कुल फिट हैं और गोल्फ खेलते हैं। तो इसी तरह से ये बाकी लोग खिलाड़ी भी हैं। तो मेन